हैं, उनको मिलके फटक से निकलना है। फिर विल गेट बैक टू यू। I'm regal, got it in my Ibisu. Came through drippin' Aquafina, I'm sippin' 15, kept a weapon on me. Blow make bitches, I mind my business, stack chicken like what it's gon' be. Crew in the cut, hey, you want us red run when I tell a bit peace. Love is love, love is love. Hold up with it, got my back on Pippin', bitch, I'm back in kitchens with the tray, bitch. Windows tinted like how black my skin is. Done with it, तगड़ा वाला वार्म अप। Of course जितना शूट किया उतना ही वर्कआउट नहीं किया। 1 ईयर हो गया ऑलमोस्ट मैं वर्कआउट ही नहीं किया था, आज जाके कर रहा हूँ। थोड़ा फिटनेस पे भी ध्यान देना है आज से। So yes, अभी नीचे जाके प्रोटीन शेक पी के I'll get back to you by tomorrow morning 4 o'clock. Good morning everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing absolutely awesome. दिस ब्लॉग इज़ काइंड ऑफ ए स्पेशल ब्लॉग फॉर मी क्योंकि मेरे लाइफ में आज तक शायद इतना लंबा राइड सिर्फ एक दिन में फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। दैट इज़ ऑफ अराउंड 840 किलोमीटर्स 1 डे बाय रोड। ओके, एक्चुअली मैं सेल्फ ड्राइव करने वाला था बट एंड में कार अवेलेबल नहीं था तो रेंट कार लेके गए। बहुत प्लान किया था मैं सेल्फ राइड करके, ये वो शूट करते सब कुछ बोल के ऐसे प्लान किया था बट हुआ नहीं, हेडेक हो गया था। फिर मम्मी आके मसाज वगैरह सब करके, इसीलिए प्लान नहीं करना कभी भी ऐसे सब बोल के, ठीक है। एनीवेज वैसे 2 मिनट में खराब होने वाला है बाल, देखना है ना। चलो बेटा, ओ भाई साहब, हम लोग अभी 10 to 15 किलोमीटर से सिंधनूर के लिए। सो विल रीच देयर बाय अराउंड 6:30। हेलो, मासी के घर आए हैं, उनको मिलके फटक से निकलना है। फिर विल गेट बैक टू यू। Thermal power plant, Shakti Nagar. This plant is considered as one of the largest thermal power plant in Karnataka, and it is the first plant that has been constructed in Karnataka. Karnataka में ये first plant है जो construct किए by government. So KPCL thermal power plant है इसका नाम. As per the report, 70% of Karnataka's electricity is only produced by this thermal power plant. 70%, मतलब कैन यू इमेजिन 70% सिर्फ वो एक ही प्लांट प्रोड्यूस करता है। ऐसे कुछ सिनेरियो था, उधर पुलिस सब लोग खड़े थे, आने वाले व्हीकल्स को सब रुका के उनको चेक कर रहे थे। मैं तब भी समझ गया था कि दे विल चेक व्हाइल कमिंग। We have covered around 300 kilometers so far. Still 100 kilometers to go. We have already crossed Karnataka-Telangana border. पुलिस लोग थे बट रुका है नहीं गाड़ी. थोड़े बहुत कर्नाटका के, आंध्र प्रदेश के व्हीकल्स, तेलंगाना के व्हीकल्स थोड़े बहुत रुकाए थे, बट हमारा कार तो कुछ रुकाया नहीं. ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है. शक्ति नगर में फर्स्ट टाइम में थर्मल पावर प्लांट देखा, जो कि साउथ इंडिया में लार्जेस्ट है. चलो चलो नया वेट कर रहे. Yeah. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tolls. Okay. We reached Hyderabad by 12:50 in the afternoon, so it was around 430 kilometers from here to there. Actually 430 नहीं होता था, वो 410 kilometers होता था. 20 kilometers ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि नेहरू रिंग रोड से actually हमको straight जाना था. लेफ्ट ले लिए हम, लेफ्ट लिए, बट अच्छा है हाईटेक रोड हैदराबाद का जो हाईटेक सिटी है उसको कनेक्ट होता है. ये कुकटपल्ली टू प्रगति नगर एंड हमारे घर. ये हाईटेक सिटी से प्रगति नगर डायरेक्ट रोड. तो हाईटेक सिटी का ही अच्छा है. ये जो कुकटपल्ली से जाता है ना, वो थोड़ा बहुत ट्रैफिक, सो इसीलिए मैं डाइवर्शन लेके 10 किलोमीटर ज़्यादा हुए तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट रोड अच्छा रहता. सो इफ़ यू वांट टू सी द रोड यू कैन सी 3 2 1. Done. Still 400 to go. Exact 1 year back, नहीं 2 years back हैदराबाद आया था मैं यही टाइम पे. आज भी आया, लास्ट ईयर तो इस टाइम पे. खैर बाय बाय बाय. एंड मेडी में वन थिंग एक्चुअली अभी हैदराबाद में ऐसा सीन है कि ऑलमोस्ट रेस्टोरेंट सब खुले हैं. ओनली टेक अवे एंड डिलीवरी, डाइनिंग तो उधर नहीं है. इनफैक्ट सब टेबल्स जो रखते हैं ना वो सब निकाल दिए अभी, एंड स्टिकर्स लगा दिए उधर, स्टैंड हियर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सब. सो इट वॉज अ गुड गुड मेंटेनेंस बहुत अच्छा था मिड-डे में। सो उधर गया, फर्स्ट टाइम मैं पापा के साथ मिड-डे में खाना खाया। उधर ही खाना बोल के था बट ऑप्शन नहीं था ना, तो टेक अवे लेके कार में बैठ के जाते मास्क पहनना ही भूल गया मैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यहाँ जस्ट रुका है अभी पुलिस, क्या करते हो लोग अभी देखना है। कुछ नहीं, जस्ट चेक कर रहे शायद। एंड हम लोग एक्चुअली हैदराबाद विजिट करने से पहले सेवा सिंधु वो जो वेबसाइट है उससे हम लोग ई पास लेने का ट्राई कर रहे थे, बट बहुत लोग ये पता नहीं है। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ट्रैवलर्स ट्रैवलिंग फ्रॉम कर्नाटका टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया डू नॉट रिक्वायर ई पास। ई पास कर्नाटका से जो भी ट्रैवल कर रहे उनको ज़रूरत नहीं है। आते वक्त एक इंसिडेंट हुआ, मैं 100% सोच लिया था कि कर्नाटका तेलंगाना बॉर्डर में हमको रुकाते, सो आई वॉज फुल्ली प्रिपेयर फॉर दैट। जैसे मैं सोचा था वैसे ही हुआ, कार रुका है, डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस एमिशन टेस्ट जो भी है वो सब कुछ चेक कर रहे थे पुलिस। तो ड्राइवर गया, उनको सब डॉक्यूमेंट्स बता रहा था, थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम ले लिए थे वो, उसको शायद क्या हुआ बोल के मैं चला गया। पप्पा कार में ही थे तो मैं गया, उधर जाने के बाद फर्स्ट वीडियो लिया मैं, मतलब इधर रुका है, हमको क्यों रुका है, सब कुछ आप लोगों को बोलने के लिए मैं ये सब लिया। उसके बाद पुलिस मेरे को बुलाए, क्यों लिया तो वीडियो बोल के, लाइक नहीं मेरा एक यूट्यूब चैनल है उसके लिए लिया मैं, बता तेरा यूट्यूब चैनल बोल के बोले, बताया। ऐसे सब कुछ वीडियोस देख रहे थे मेरा, मतलब थंबनेल टाइटल्स उतना सब रश में कैसे देख सकते वीडियोस, ऑफ कोर्स टाइटल्स जो भी था देख के ही अप्रिशिएटेड माई वर्क एंड ही वॉलंटरली सब्सक्राइब टू माई चैनल, मतलब इट वॉज नेक्स्ट लेवल। पापा स्टिल कार में ही थे, ऐसे बहुत ऐसे कन्वर्सेशन कर रहा था मैं, क्या करता है तो, मतलब वीडियो सब अच्छा है ये वो सब बोल रहे थे। It was a good conversation with that police. If you are seeing, sir, thank you so very much. Conversation ऐसे चल रहा था। Mask, I was not wearing mask. So पापा कार में देखे मास्क उधर ही था, शायद इसको मास्क नहीं पहना इसलिए रुका है बोल के पापा मास्क लेके धीरे आए, धीरे से पापा आए, पापा कैसे मास्क दिए, क्यों पापा क्या हो? पापा वॉज लाइक क्यों क्या बोल रहा, तो बोले नहीं बट उनके एक्सप्रेशन से मुझे पता चल गया। बट उसके बाद पापा कन्वर्सेशन सुन रहे थे मेरा और जो पुलिस है ना उनके साथ जो कन्वर्सेशन हो रहा था, वो कन्वर्सेशन सुन के क्योंकि इससे पहले जब भी मेरे को पुलिस लोग पकड़ते या फिर उनके साथ बात करते रहता, कुछ तो लफड़ा हुआ रहता है मेरा, कुछ तो किया रहता, डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता। 1000 फाइन लगा। तेरे को कहाँ गिरते थे बोल था दूसरे गाड़ी के बता रहा डॉक्यूमेंट्स डिस्कवर का। या फिर जो भी है हेलमेट कभी कभी नहीं पहने रहता, वही सब रीजन से ही मुझे पुलिस पकड़े रहते थे। इस बार जो है अप्रिसिएशन काइंड ऑफ था, सो इट वॉज अ गुड मोमेंट फॉर मी। मैं इसीलिए इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि उतने सारे व्हीकल्स खड़े थे, सबका सब कुछ चेक करना था, बट स्टिल वो जो पुलिस थे ही गेव अटेंशन एंड चेकड एवरीथिंग, मेरे बारे में जान लिया जो भी कर रहा तो सब कुछ अच्छा है ही, यू आर डूइंग गुड जॉब मैन कंटिन्यू करके सब बात किया। और लाइक अटेंशन मिल गया, फिर क्या चाहिए। उसके बाद पुलिस बोलती है जो अनिरुद्ध का गाड़ी है वो छोड़ दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आई वाज लाइक कर्नाटकदिंद होगोरिगे पास जरूरत ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಾರ ಸರ್ ಅವರು। ಈಗ ತೆಲಂಗಾಣದ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೇಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಬಂದ हैदराबाद जिसके लिए भी गया था मैं, काम अच्छा हुआ, सब कुछ सेफ था। सो दैट वाज एंटायर जर्नी फ्रॉम कोप्पल टू हैदराबाद एंड हैदराबाद टू कोप्पल। ये पार्ट सब मैं एक्चुअली कल ही शूट करने वाला था। कल मुझे पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत कमिटेड सुसाइड। ये सुसाइडल केस बाहर आने के बाद सब लोगों को पता चल रहा है कि सब लोग अभी बात कर रहे हैं कि बी काइंड, ये वो क्या ज़रूरत है सब होने के बाद की है। तो सो सैड मैन, मैं तो सीरियसली कल पूरा दिन डिप्रेशन में चला गया था, क्या बोलूँ। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, दैट्स ऑल आई कैन से। क्यों सुसाइड कर लिया, वो कुछ ना कुछ रीज़न रहता है ना, एवरीथिंग हैज़ रीज़न कंपल्सरी। पता चल जाता क्यों हुआ, क्या हुआ। यू नेवर नो वॉट समवन इज गोइंग थ्रू, जस्ट बी काइंड। 13th जून या 12th जून, मुझे पता नहीं, एग्जैक्टली 2 years बैक मैं एक पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे ही, कैप्शन था बी काइंड। आप लोगों को मैं अभी भी स्क्रीनशॉट लेके इधर साइड में बता सकता हूँ। लोगों में इम्पोर्टेंस ही पता नहीं काइंडनेस की, अब क्या बोल सकते हैं इससे ज़्यादा। अभी भी इतना सब होने के बाद भी है थोड़े बहुत लोग जो तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। पर कोशिश तो आपने बहुत करी ना बेटा।